हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज इंग्लिश लिटरेचर ऑफ स्टैंडर्ड फोर का सबसे फर्स्ट चैप्टर है द स्लीपलेस मून। पिछले क्लास में मैं आप लोग को द स्लीपलेस मून के बारे में पढ़ाई थी। आज मैं उसी चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व करवाने जा रही हूँ। लिसन टू मी केयरफुली, ओपन योर बुक पेज नंबर 6। सबसे पहले रीडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए, चूज द करेक्ट आंसर। सही आंसर चुनकर भरना है। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट क्वेश्चन, परम सा द मूनलाइट कमिंग इन थ्रू द, ऑप्शन है डोर, वेंटिलेटर, विंडो। परम ने किसके द्वारा चांद की रोशनी को आते हुए देखा? तो मैं द स्लीपलेस मून की स्टोरी में बताई थी कि परम ने खिड़की से चांद की रोशनी को आते हुए देखा, तो इसका सही ऑप्शन विंडो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, विंडो इसमें भर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर सी, विंडो, परम सा द मूनलाइट कमिंग इन थ्रू द विंडो। परम ने खिड़की से चांद की रोशनी को आते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर टू, परम्स मदर टोल्ड हिम दैट द मून स्लीप्स ड्यूरिंग द, परम की माँ ने उससे कहा, क्या कहा? कि चांद जो है दिन में सोने जाता है। परम की माँ परम को बताई थी कि चांद दिन में सोने जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए नाइट, बी डे और सी में आफ्टरनून। तो इसका सही ऑप्शन डे होगा। तो इसमें हम डे भर देंगे कि परम्स मदर टोल्ड हिम डैट द मून स्लीप्स ड्यूरिंग द डे। परम ने उससे कहा कि चांद दिन में सोने जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, द आउल नीड्स लाइट टू फाइंड, द आउल नीड्स लाइट टू फाइंड। ऑप्शन है डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट। उल्लू को अंधेरा में रात्रि भोजन, उल्लू को रात्रि भोज खोजने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो उल्लू ऑप्शन ए है डिनर, बी है लंच और सी है ब्रेकफास्ट। तो इसका सही ऑप्शन डिनर, क्योंकि स्टोरी में उल्लू रात्रि भोज के लिए उसको लाइट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन डिनर है। तो इसमें हम डिनर भर देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, द ब्लैंक्स है कैन नॉट प्ले इन द डार्क। ऑप्शन ए आउल्स, बी में मून है, सी में रैबिट्स है। तो किसने कहा था स्टूडेंट्स, टेल मी, फटाफट बताएंगे, किसने कहा था कि हम लोग अंधेरे में खेल नहीं सकते हैं? जल्दी से बोलेंगे, क्या? रैबिट्स। ओके, वेरी गुड, रैबिट्स ने कहा था। इसलिए क्वेश्चन नंबर फोर, द रैबिट्स कैन नॉट प्ले इन द डार्क। खरगोश अंधेरे में खेल नहीं सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? रैबिट्स। तो क्वेश्चन नंबर फोर में हम रैबिट्स भर देंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव, द कैट वांट्स टू ब्लैंक्स विथ हिज फ्रेंड्स। बिल्ली अपने दोस्तों के साथ चारों ओर घूमना चाहती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ईट डिनर, बी वांडर अराउंड, सी कैच डिनर। तो बिल्ली अपने दोस्तों के साथ क्या करना चाहती है? घूमना चाहती है। तो इसका सही ऑप्शन वांडर अराउंड। तो इसमें हम वांडर अराउंड भर देंगे। द कैट वांट्स टू वांडर अराउंड विथ हिज फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर ए,
आपका सॉल्व हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन आंसर है, उसको मैं लिखवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है इसको देखेंगे। राइट इफ द सेंटेंसेज आर टी और फॉल्स एफ है। सेंटेंस जो नीचे लिखे गए हैं सही है उसके सामने हम टी लिखेंगे, जो गलत है उसके सामने हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो परम वाज अफ्रेड ऑफ गोइंग आउट इन द गार्डन। परम बगीचे में बाहर जाने से घबरा गया। परम बगीचे में बाहर जाने से घबरा गया, क्या यह सही है? नहीं, परम तो जूता पहनकर बगीचे में जाता है, वह तो घबराता नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है। तो इसके सामने हम एफ लिखेंगे, परम बगीचे में बाहर जाने से घबरा गया, तो यह बिल्कुल गलत है, इसलिए इसके सामने हम एफ लिख दिए। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस नंबर टू, द आउल वांटेड टू फ्लाई अराउंड इन द डार्क। आउल जो है, उल्लू है, वह अंधेरे में चारों ओर उड़ना चाहती थी। तो उल्लू तो अंधेरे में उड़ना नहीं चाहती थी, उल्लू तो क्या पेड़ पर चुपचाप बैठी थी। बिल्ली सॉरी आउल एक पेड़ पर चुपचाप बैठी हुई थी। यहाँ सेंटेंस में लिखा हुआ है कि द आउल वांटेड टू फ्लाई अराउंड इन द डार्क, उल्लू अंधेरे में चारों ओर घूमना चाहती थी। तो यह भी गलत है, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस, यह सेंटेंस गलत है, इसलिए इस सेंटेंस के सामने भी हम एफ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री, द रैबिट्स वांटेड टू प्ले इन द मूनलाइट। खरगोश मूनलाइट में खेलना चाहता था, यह बिल्कुल सही है। रैबिट मूनलाइट में क्या करना चाहता था, खेलना चाहता था। तो यह सेंटेंस दिस इज राइट, इसलिए इसके सामने हम टी लिखेंगे क्योंकि यह सही है। क्वेश्चन नंबर फोर, द मून विश टू सी परम स्लीप सेफली। द मून विश टू सी परम स्लीप सेफली। चंद्रमा परम की नींद को सुरक्षित रूप में देखने की कामना करता था। चांद जो है परम की नींद को सुरक्षित रूप से यानी गहरी नींद में देखने की कामना करता था, इसलिए वह चांद की प्रकाश को उसके मुंह पे दिखाता था कि वह सुरक्षित सोया है कि नहीं। तो इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसलिए हम इस सेंटेंस के सामने क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे क्योंकि यह ट्रू है। क्वेश्चन नंबर फाइव, द कैट डिड नॉट रिप्लाई टू व्हाट परम वांटेड टू नो। द कैट डिड नॉट रिप्लाई टू व्हाट परम वांटेड टू नो। परम परम यह जानना चाहता था कि इस बात का बिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया। परम यह जानना चाहता था कि बिल्ली ने कोई जवाब नहीं दिया, तो यह गलत है, बिल्ली भी जवाब देती है, सारे लोग जवाब देते हैं, तो यह सेंटेंस गलत है, इसलिए इसके सामने हम एफ लिख देंगे। अब क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व हो गया, इज दैट क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे आपका ग्रामर है, ग्रामर में क्वेश्चन नंबर ए, ग्रामर में क्वेश्चन नंबर ए, अटेंशन प्लीज स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ए है आपका, राइट द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। राइट द अपोजिट्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, आपको जो अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है उसका अपोजिट यानी उल्टा शब्द लिखना है, विपरीतार्थक शब्द लिखना है। क्वेश्चन नंबर वन, ही इज वीक बट हीज फ्रेंड इज।
फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज वीक, वीक का अंडरलाइन किया हुआ है, उसका हम अपोजिट लिखेंगे। तो वीक मीन्स कमजोर, तो कमजोर का अपोजिट क्या होगा, वीक का अपोजिट स्ट्रांग। ही इज वीक, वह कमजोर है, बट हिज फ्रेंड इज स्ट्रांग, लेकिन उसका दोस्त क्या है, मजबूत है, शक्तिशाली है। ही इज वीक, वह कमजोर है, बट हिज फ्रेंड इज स्ट्रांग, वह कमजोर है लेकिन उसका दोस्त क्या है, मजबूत है, शक्तिशाली है। क्वेश्चन नंबर टू, राघव इज रॉन्ग, राघव गलत है, बट श्याम इज रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट। रॉन्ग मीन्स गलत, राइट मीन्स सही। तो राघव इज रॉन्ग, राघव गलत है, बट श्याम इज राइट, बट श्याम क्या है, वह सही है। क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, ट्रेम्स आर स्लो बट एरोप्लेन्स आर। ट्रेम्स जो है वह स्लो है, धीरे है, चलता है, लेकिन एरोप्लेन क्या है, आर फास्ट, एरोप्लेन तेज चलता है। ट्रेम्स आर स्लो बट एरोप्लेन्स आर फास्ट, एरोप्लेन्स तेज चलता है, हवाई जहाज तेज चलता है ना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि हवाई जहाज जो है वह उड़ा देता है, बहुत तेज चलता है, इसलिए एरोप्लेन्स आर फास्ट। यहाँ पे स्लो अंडरलाइन किया हुआ है, स्लो का अपोजिट लिखना है, स्लो का अपोजिट क्या लिखेंगे, फास्ट लिखेंगे। इज दैट क्लियर, चलिए ओके। ही इज स्टैंडिंग एट द टॉप, ही इज स्टैंडिंग एट द टॉप, टॉप मीन्स ऊपर, बट हिज ब्रदर इज स्टैंडिंग एट द क्या होगा, टॉप का अपोजिट, टॉप का अपोजिट बॉटम। वह ऊपर खड़ा है, टॉप ने ऊपर खड़ा हो रहा है, बट उसका भाई जो है एकदम सबसे नीचे खड़ा हो रहा है, खड़ा है। क्वेश्चन नंबर फाइव, राजन इज शॉर्ट बट गरिमा इज, यहाँ पे शॉर्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, तो शॉर्ट का अपोजिट लिखना है कि राजन छोटा है, बट गरिमा जो है वह क्या है, लंबी है। शॉर्ट का अपोजिट लॉन्ग, शॉर्ट मीन्स छोटा, तो लॉन्ग मीन्स लंबा। तो यहाँ पे आपका यह हो गया कि राजन इज शॉर्ट बट गरिमा इज लॉन्ग। तो यहाँ तक तो क्लियर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर सी, रीडिंग का एक्सरसाइज जो था वह मैं सॉल्व करवा दी। ग्रामर में क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व हो चुका है, अपोजिट वर्ड लिखना था, उसको आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और उसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, अंडरस्टैंड, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर बी सी डी जो बाकी है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।